वेलकम टू एस जे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। मैं हूँ इस वक्त सिंगापुर में, पहली बार आया हूँ इस कंट्री में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सी एक्वेरियम, जिसका एंट्रेंस ठीक मेरे सामने है। तो सी एक्वेरियम ना सिर्फ सिंगापुर का सबसे बड़ा एक्वेरियम है बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। ऑल्सो दिस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेरियम। आज मेरी विश लिस्ट में से एक विश पूरे होने वाली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑल्सो ये हमारे चैनल का बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है और अभी तक का हमारे चैनल का सबसे बड़े बजट का वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि ये एक्वेरियम को देखने के लिए खास मैं सिंगापुर में आया हूँ। ऑफकोर्स साइट सीइंग करूँगा बट मेरा फर्स्ट इंटेंशन, प्रायोरिटी ये सी एक्वेरियम है। सो एंटर करने से पहले शॉर्ट में सी एक्वेरियम के बारे में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सी एक्वेरियम ये एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेरियम है, 20 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर 800 स्पीशीज़ है, मोर देन 1 लाख एक्वाटिक क्रीचर्स है और सबसे बड़ी बात, वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी इस पूरे एक्वेरियम की 45 करोड़ लीटर्स है। जी हाँ, सो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और फैसिनेटिंग है ये सी एक्वेरियम। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है ये। खास सी एक्वेरियम देखने के लिए मैं सिंगापुर में आया। राइट इन फ्रंट इज़ द टिकट काउंटर, जहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे अंदर। यहाँ से है एंट्रेंस सी एक्वेरियम के लिए। सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है इंडिया से जब मैं निकला था,
तब से इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज हम ओशन के एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया एक्वेटिक क्रिएचर्स को देखने वाले हैं और बहुत सारे फिशेस मैं पहली बार देखने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। ऑल्सो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग आते हैं। सो मैं चाहता तो वॉइस ओवर कर सकता था, बट आपको लाइव रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज जो भी मैं बोलूँगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड इनसाइड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेरियम। दिस इज सी एक्वेरियम। ऑल्सो आई एम लकी इनफ बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी क्राउड होती है। मैं एक घंटा वेट किया ताकि आपको ये मज़ा मिल सके, ये विजुअल्स का लुफ्त उठा सको आप। सो मैंने एक घंटा वेट किया है अभी क्योंकि 1:30 बज रहे हैं तो इस टाइम पे क्राउड कम हो जाता है। 10-11 बजे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं 11 बजे आया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द वंडरफुल एक्वाटिक क्रीचर्स। दिस इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। एंट्रेंस पर ही हमको इतना बड़ा एक्वेरियम टनल देखने को मिल रहा है। Look at this. This is the butterfly fish. And just look at the size of this fish. Whoa. Superb. एंड बॉटम देखिए, उसके बाद में सेटअप देखिए। ऐसा लग रहा है कि पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड इन्होंने इस टनल के अंदर लगा दिया है। शार्क सर, शार्क सर, शार्क सर, वाओ, दिस इज ट्रूली द सेकंड लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड बिकॉज एंट्रेंस पर ही इतना बड़ा टनल है। Look at that massive stingray. Just look at this fish and the thumb. Wow, इस shark की size देखिए कितनी बड़ी है. Incredible. ये देखिए grouper है. And grouper को ऐसे fine spots होते हैं. सो काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा है, इसका कुछ कर नहीं सकते। मैं चाहता तो वॉइस ओवर कर सकता था बट फिर वो लाइव कॉमेंट्री का मज़ा नहीं आता आपको। ओ ये देखिए इस माश है को, बाप रे बाप, क्या साइज है, क्या टेल है, देखिए। हियर इज द मैंटा रे। सो अभी देख सकते हो आप इस टनल का प्रॉपर लुक। सो एवरी टाइम आई एंटर एन एक्वेरियम टनल आई गेट सो फैसिनेटेड कि ह्यूमंस क्या क्या कर सकते हैं और पूरा सी वर्ल्ड, ओशन का किंगडम पूरा टनल के अंदर बना सकते हैं। लुक एट दिस फिश, द पैटर्न, द स्पॉट्स, ट्रूली एन इनक्रेडिबल ब्यूटी। हियर इज अ स्क्विरल फिश, बिग आई स्क्विरल फिश इज हियर। सो जो जो फिश मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा आई विल लेट यू नो। दिस लुक्स लाइक अ टैंग। हियर इज अ मैंटा रे। सो जब आप टनल देखने के बाद यहाँ पर एंटर करते हो, सो यहाँ पर ये कुछ लेडीज हैं, दे क्लिक योर फोटोग्राफ्स। सो ये हर एक विजिटर का फ़ोटो क्लिक करते हैं और अगर आपको फ़ोटो प्रिंट या फ़ोटो कॉपी चाहिए सो यू हैव टू पे देम। सो सबसे पहली एक्वेरियम है ये और इसके अंदर बहुत सारे लाइव एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ऑल्सो डिस्कस फिशेस है इसके अंदर, डेनिसोनी बाब्स है। सो देखिए पूरा जंगल इन्होंने इस एक्वेरियम के अंदर बनाया है।
So I'll show you the Danisoni fish which are inside. So these are the discus, jumbo discus, giant size discus. उनके ठीक पीछे आप देख सकते हो Danisoni fish, जो जब adult size की हो जाती है उसके stripes देखिए कितने bright हो जाते हैं. And just have a look at this underwater jungle. I am literally impressed in the first aquarium itself. Wow. And ये देखिए tetras कितने glow कर रहे हैं, because ये लोग इतना बढ़िया तरीके से रखते हैं, क्या maintain करते हैं पानी को, सब water parameters को, तो इनके fishes भी इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं, आपको क्या बताऊँ. ये तो देखिए discus की size तो देखिए, look at the size, look at the shape, कितने विशाल, कितने jumbo हो चुके हैं. So I think the dimensions of this aquarium must be 12 to 15 feet और breadth मेरे ख्याल से आराम से 6 से 7 feet होगा. So let me know in the comments कि आपको क्या लगता है. अब हम देखेंगे next aquarium, इसके अंदर है bluetooth trigger fish, उसके बाद pipe fish है, then sea urchins भी है. मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये trigger fish जो यहाँ पर है, जिसकी बहुत खूबसूरत dorsal fin और anal fin होती है. So इनकी फीडिंग हो रही है, so we are lucky enough to watch the feeding also. देखिए, so फीडिंग देखने को मिलती नहीं है पब्लिक एक्वेरियम्स में, but we got lucky today. So as I had said, the dorsal fin and the anal fin are symmetrical of trigger fish, so they look really wonderful. So I think इसके dimensions मेरे ख्याल से 7 feet by 6 feet होंगे. लेट मी नो आपको क्या लगता है. सो आई विल शो यू अ फीडिंग ग्लिम्स, लुक एट हियर. सो भीड़ जाने तक हम लोग वेट करेंगे, बट आई विल शो यू डाउन. यहाँ पर है ग्लास फ्लोर, यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन इट, और नीचे शार्क्स एंड स्टिंगरेज है. यहाँ पर देखिए स्टिंगरे हैं, गिव्स अ शार्क जो एकदम शांत बैठी हुई है. सो अब हम देखेंगे ये लेफ्ट वाली एक्वेरियम. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ 8 feet in length by 6 feet in breadth वाला एक्वेरियम. आई थॉट दूर से दीज आर पायजामा कार्डिनल्स, बट दे लुक लाइक पायजामा कार्डिनल्स, बट दीज आर नॉट कार्डिनल्स, ये कोई अलग ही है. दे हैव गॉट ब्रॉड स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी, ब्लैक ब्रॉड स्ट्राइप्स, एंड हैव अ लुक एट देयर डॉर्सल फिन जो कैसी स्पाइक्ड हो जाती है और फिर मुड़ जाती है. दे हैव गॉट प्रोमिनेंट ब्रॉड स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी एंड वेरी यूनिक डॉर्सल फिन्स एंड पेक्टोरल फिन्स एज वेल. सो ये जो डाउन वाली पेक्टोरल फिन आप देख रहे हो, इट्स थोड़ा बहुत नीचे कैसी जा रही है, सिमिलरली ऊपर वाली डॉर्सल फिन भी वैसे ही ऊपर आ जाती है. ये देखिए पफर फिश, पॉक्यूपाइन बलून फिश भी कहा जाता है उसे. सो एक्वेरियम की साइज़ देखिए कितनी बड़ी है, एंड सेटअप भी कितना मस्त बनाया हुआ है. ऐसे रॉक्स लगाए और बीच में ग्रास लगाए. अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको एक बहुत बड़ी सी सिलेंड्रिकल एक्वेरियम. लुक एट दैट, एंड सबसे ऊपर देखिए पैरट फिश है, कितनी ह्यूज, कितनी जायंट है. वाओ, आई एम लिटरली स्टंड आफ्टर वॉचिंग दिस. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज बहुत सारा क्राउड है. आई विल ट्राई टू गो लिटिल क्लोजर.
Oh, just look at the setup. Looks so surreal. Damn. The makers, these guys are truly phenomenal. इसका आकार देखिए और इसका विशाल साइज़ देखिए, कितना सारा है, कितना ज़्यादा है. और ऑल्सो हियर कम्स द रियल मॉन्स्टर. हियर इज़ अ रेफ्लेसी बटरफ्लाई. देयर इज़ अ पाउडर ब्लू टैंग एंड ऊपर कॉपर बैंड बटरफ्लाई. देन लेफ्ट पर बहुत सारी बटरफ्लाई फिश है. सो हियर कम्स द मॉन्स्टर, हैव अ लुक. ये फिश तो देखिए, वो दिस इज अ ब्लूटूथ ट्रिगर फिश. Look at here, one of my favorite fish. So अब मैं पूरा चक्कर लगा देता हूँ इस एक्वेरियम का, ताकि आप देख सको कि कितना ह्यूज है ये. ये देखो क्या कमाल का व्यू आ रहा है. वाकई में जिसने बनाया है, जिसने विजुलाइज़ किया है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है. सो हर बार पब्लिक एक्वेरियम जब भी मैं शूट करता हूँ, उसके बाद मैं खुद देखने के लिए दोबारा आता हूँ, तब मैं फ़ोन नहीं निकालता, बस देखते रहता हूँ इनको. घंटों तक मैं बस देखते रहता हूँ. Now I would like to show you an eel fish, जो देखिए कैसे छुपी बैठी है. ये देखिए, just look at those spots. OMG, कितना huge है. और ये देखिए, so देखिए चिंटू fishes भी इसमें add करिए, but बड़े बड़े monsters इनको सता नहीं रहे, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इनको खा नहीं रहे. द रीज़न इज़ कि फीडिंग बहुत अच्छे से होती है, पेट भर के सबको खाना मिलता है. और ये देखेंगे अब, ये जैसे ही आ जाता है वैसे ही उल्टी डाइव मार लेता है. आई एम सॉरी. सो अब देखिए इसका नज़ारा यहाँ से, ट्रूली माइंड ब्लोइंग. सो ईल्स के लिए देखिए इन्होंने कैसे सेटअप में हाइडिंग प्लेसेस बना के रखे, ताकि वो अंदर जाके छुप सके. सो ये होता है व्हेन यू नो हाउ टू कीप द फिशेस प्रॉपरली, व्हेन यू नो द सेटअप, देयर बिहेवियर, तब फिशेस हेल्दी भी रहती है और थ्राइव भी रहती है और बढ़ती भी है, ग्रो भी करती है. अब देखिए नज़ारा शार्क फिश का, इसके साथ ही हम चलेंगे. ट्रूली अ मॉन्स्टर. देर आर दोज जायंट ईल्स लुकिंग एट अस.
सो ये एक इंटरैक्टिव पूल है, यहाँ पर इन्होंने स्टारफिश रखे हैं जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, यू कैन टच देम, यू कैन फील देम। तो ऐसा डिस्कवरी पूल इन्होंने बनाया हुआ है, सो हम भी टच करेंगे स्टारफिश को। सो अभी हम टच करेंगे, सो एकदम जेंटली टच करना है, इट लुक्स वेरी नाइस। बहुत सॉफ्ट है, वाओ दिस इज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। और ये देखिए यहाँ पर, और वो जो आप देख रहे हो ये सारे डैमसेल फिशेस है। यहाँ पर भी एक छोटा देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये 15 फीट का एक्वेरियम, इसके अंदर है मोनो एंजल्स, देर आर सम स्कैट्स, लुक एट देयर स्ट्राइप्स, ऊपर पफर्स है, देर इज आर्चर फिश ओवर हियर, देर आर स्कैट्स, आर्चर फिश एंड मोनो एंजल्स। मोनो एंजल्स द वंस विच आर हैविंग कॉडल फिन और जो डॉर्सल फिन है जो येलो कलर की है, दोज आर मोनो एंजल्स, दीज आर स्कैट्स, एंड जो ऊपर वाले हैं दोज आर आर्चर फिश। ये देखिए साइज इस एक्वेरियम की, सो स्टनिंग सेटअप इज ट्रूली ऑसम। एक से बढ़कर एक एक्वेरियम हर एक आपको बहुत पसंद आएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, बिकॉज हर एक एक्वेरियम में सेटअप अलग है, फिशेस अलग है। ये रही मोनो सीबे, हियर इज़ द नेक्स्ट एक्वेरियम, इसके अंदर है पायजामा कार्डिनल फिश। तो सैंड भी देखिए, और ये देखिए सैंड शिफ्टर्स इनको बोलते हैं, ये माउथ में सैंड कैरी करते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। ऑल्सो इसका नाम है बंगाई कार्डिनल, जिसको बहुत स्ट्राइप्स होते हैं बॉडी पर। एंड ये वाला जो है दिस इज़ पायजामा कार्डिनल, ये बंगाई कार्डिनल, जिनके फिन्स मुझे बहुत यूनिक लगते हैं, बिकॉज देखिए डॉर्सल फिन और एनल फिन इनको दो दो होते हैं, और इनके कॉडल फिन पर देखिए कितने ज़्यादा स्ट्राइप्स होते हैं। सो हियर इज अ 20 फीट टॉल एक्वेरियम, एंड इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने कोरल्स डाले हैं, आई शो यू वन बाय वन। नीचे से स्टार्ट करते हैं, कोरल रॉक्स भी है, लाइव रॉक्स है, आई थिंक देर आर टैंक्स, हियर इज अ ट्रिगर फिश, स्पॉटेड ट्रिगर फिश, लुक्स डैम ब्यूटिफुल, देन देर आर स्कंक क्लाउन्स एट द टॉप। So this looks like a tank fish. I think वो surgeon fish है। Next aquarium अब हम देखेंगे, इसकी भी length, इस पूरे aquarium की length 30 feet होगी, और इसके अंदर भी एक से बढ़कर एक fishes है। सबसे पहले ये देख लीजिए, पूरी red body है and tail इसकी yellow है। लुक एट दिस फिश, स्केल्स इसके शाइन हो रहे हैं बहुत, और सेटअप देखिए रॉक्स का, वाओ कल्पना के बिल्कुल परे है ये जो भी करते हैं सेटअप में। ये वाली फिश मेरे को बेहद पसंद आई, इसकी पैटर्न देखिए क्या कमाल के लुक्स है।
सो ये सब टैंक्स है, ये देखिए दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी है। देखिए आई गो टू वाइड एंगल, आई स्विच टू वाइड एंगल, ये देखिए कितनी बड़ी है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा मिलियन लीटर्स के वाटर कैपेसिटी का एक्वेरियम। यहाँ पर डॉल्फिन्स है बट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट मेरे हिसाब से टोटल वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी आराम से मोर देन मिलियन लीटर्स होगी होगी। सो अगर दिखते हैं आई विल गेट दैट विजुअल्स। देखिए कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना ह्यूज है।